मैदान में है। हालांकि सीएम योगी ने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। महंत योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। विधानसभा की 403 सीटों में गोरखपुर सदर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि गोरखपुर सदर से खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपीठ के महंत योगी 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। ये सीट भाजपा का अभेद किला है। योगी आदित्यनाथ 1998 से 2017 तक गोरखपुर से सांसद रहे हैं और ये विधानसभा क्षेत्र इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। सीएम के यहाँ से चुनाव लड़ने के कई फायदे हैं। गोरखपुर सदर से सीएम के चुनाव लड़ने से सीधा असर गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मंडल की 62 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। गोरखपुर में एक लाइन बहुत फेमस है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। ऐसा इसलिए है कि आप अगर यहाँ का रिकॉर्ड देखेंगे तो जिस पर भी योगी का हाथ रहता है वो विजयी होता आ रहा है, इसीलिए ये लाइनें यहाँ पर बार बार बोली जाती हैं। भाजपा साल 1989 से 1997 तक विधानसभा चुनाव में इस सीट को लगातार जीती है। साल 2007, 2012 और 2017 की बात करें तो डॉक्टर राधा मोहन ही भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। सदर सीट से चुनाव मैदान में सीएम, पिछले 33 वर्षों से भगवा का कब्जा, 1998 से 2017 तक सांसद रहे योगी, मठ में तय होता है जीत का समीकरण, सदर सीट पर बीजेपी का अभेद किला, 1952 में हुआ था पहला विधानसभा चुनाव, 1967 के बाद से जनसंघ का कब्जा है, 3 बार हैट्रिक लगा चुकी है बीजेपी। गोरखपुर सदर सीट ऐसी सीट है जहां पर लाख कोशिश करने के बाद भी सारी पार्टियों का जातीय समीकरण बिगड़ जाता है। यहां पर जातीय समीकरण कोई मायने नहीं रखता है। सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। प्रत्याशी चाहे जो, गोरखनाथ मंदिर जिसके साथ है यहाँ के लोग वोट भी उसी को करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।